गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं द ट्री, जो एड्रियन रिच के द्वारा लिखा गया। ट्री में आज हम ट्री की विशेषताएं देखेंगे, या यूँ कह सकते हैं कि ट्री में हम उन पेड़ों के बारे में देखेंगे कि जैसा कि आज के औद्योगिक क्रांति के समय, रेनेसा की बात के समय, पेड़ों को ज़्यादातर करके काटा जा रहा है और उसका भी सदुपयोग नहीं किया जा रहा है। तो ट्री की इम्पोर्टेंस के बारे में देखेंगे, ट्री की क्या क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में, और पेड़ों के क्या मतलब, क्या पेड़ों के बिना जंगल हो सकता है, इस कविता में पेड़ कहाँ हैं और कहाँ जाते हैं, इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, और मैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे वादा करना चाहता हूँ कि यह वीडियो जब समाप्त होगा तो आपको, आपके लिए यह क्लास बहुत ही धुआं होने वाला है। आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और इसके लिए आपको अपना ज़्यादा समय भी गवाना नहीं पड़ेगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं, फर्स्ट चैप्टर द ट्री। तो चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। द ट्री, द ट्री पेड़, इनसाइड अंदर का अर्थात घरों का, आर मूविंग, मूविंग मतलब होता है गमन कर रहे हैं, आउट बाहर की ओर, इनटू द फॉरेस्ट जंगल में, मतलब क्या कहा गया कि जो घर के पेड़ हैं वह बाहर की तरफ अर्थात जंगल की तरफ गति करके जा रहे हैं। द फॉरेस्ट, जो जंगल है, दैट जो कि, वाज एम्प्टी, खाली थी, ऑल दीज डेज, इन दिनों तक, मतलब इन दिनों तक, जितने दिनों तक जो भी ये जंगल खाली थी, वर नो बर्ड, जहाँ पर कोई भी पक्षी नहीं थे, कुड सिट, बैठा करते थे, नो इंसेक्ट, हाइड, और ना ही कोई कीड़े मकोड़े वहाँ पर, हाइड मतलब छिपा करते थे। तो क्या कहा गया, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, घर के पेड़ गति करके बाहर जंगल की ओर जा रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी, जो जंगल, दैट वाज एम्प्टी मतलब खाली हो चुका था, ऑल दीज डेज, इतने दिनों तक, वेयर, जहाँ पर, नो बर्ड्स कुड सिट, नहीं बैठे हैं कोई भी पक्षी, नो इंसेक्ट हाइड, और ना ही कोई कीड़े मकोड़े छिपे हैं, नो सन ब्यूरी, और ना ही सूर्य का किसी भी प्रकार का किरण, नो सन ब्यूरी, सूर्य का कोई भी किरण, सूर्य का कोई भी प्रकाश, इट्स फिट, उसके पैरों का, इन शैडोज, छाया में बना है, मतलब सूर्य के किरण के पैरों की छाया में कभी छिपी नहीं है, छिप नहीं सकता। क्यों नहीं छिप सकता, क्योंकि पेड़ पौधे सभी काट दिए गए हैं। विल बी फुल, भर जाएगी, ट्रीज पेड़, बाय मॉर्निंग, सुबह के समय, मतलब सुबह के समय ये सारे पेड़ क्या हो जाएंगे, ये सारे जंगल भर जाएंगे। तो इन पूरे पैसेज में क्या कहा गया, जरा फिर से देखिए। तो इसमें कहा गया, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग, अंदर के जो पेड़ हैं, आर मूविंग, गति कर रहे हैं, आउट इनटू द फॉरेस्ट, बाहर जंगल की ओर, मतलब घर के पेड़ बाहर जंगल की ओर जा रहे हैं। द फॉरेस्ट, जो जंगल है, दैट की, वाज एम्प्टी, जो खाली थी, ऑल दीज डेज, इतने दिनों तक, वर नो बर्ड, जहाँ पर कोई भी पक्षी, कुड सिट, बैठा करते थे, नो इंसेक्ट, और ना ही कोई कीड़े मकोड़े, हाइड, छिपा करते थे, नो सन ब्यूरी, और ना ही सूर्य का जो पैर है, सूर्य के किरणों का जो पैर है, इन शैडोज, ना ही उसका कोई छाया बनता है। द फॉरेस्ट, जो जंगल है, दैट जो कि, वाज एम्प्टी, खाली थी, ऑल दीज नाइट्स, इन इतने समय तक, इतने रातों तक, विल बी फुल, भर जाएगी, ऑफ ट्रीज, पेड़ों से, बाय द मॉर्निंग, सुबह के समय, क्योंकि द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, मतलब घर के जो पेड़ हैं वह बाहर जंगल की तरफ निकल रहे हैं। अगला देखते हैं, ऑल नाइट्स द रूट्स, ऑल नाइट्स, ऑल नाइट्स मतलब होता है पूरी रात, ऑल नाइट्स, पूरी रात, द रूट्स, जो पेड़ों की जड़ें हैं, वर्क्स, काम कर रही हैं, मतलब पेड़ों की जड़ें लगातार काम कर रही हैं। टू डिसेंगेज, डिसेंगेज मतलब होता है मुक्त करने का, डिसेंगेज मतलब क्या होता है, मुक्त करने का, मुक्त होने के लिए वे सभी जड़ें एक लगातार काम कर रही हैं। देमसेल्फ, स्वयं से, फ्रॉम द क्रैक्स, क्रैक्स मतलब दरार से, अर्थात सारी रात जड़ें जो है
वह फर्श की दरार से स्वयं को मुक्त करने का कार्य करती हैं, मतलब कार्य कर रही हैं। इन द बरांदा फ्लोर, बरांदा के फर्श पर। तो क्या कहा गया कि बरांदा के फर्श पर पूरी रात्रि जो जड़ें हैं वह स्वयं को फर्श की दरारों से, फ्रॉम द क्रैक्स मतलब फर्श की दरारों से, देमसेल्फ स्वयं को डिसेंगेज मतलब होता है डिसेंगेज मतलब होता है मुक्त करने के लिए प्रयास कर रही हैं। अर्थात सारी रात जड़ें बरामदे के फर्श की दरारों से स्वयं को मुक्त करने का प्रयास कर रही हैं। द लीव्स, जो पत्तियां हैं, स्ट्रेन, जो पत्तियां हैं, स्ट्रेन मतलब होता है दबाव कर रही हैं या दबाव डाल रही हैं टुवार्ड द ग्लास, शीशे की ओर, मतलब जो जो पत्तियां हैं वह शीशों की ओर क्या कर रही हैं, दबाव डाल रही हैं, शीशों की तरफ खींच रही हैं। स्मॉल ट्विंक्स, जो छोटे छोटे ट्विंक्स मतलब जो उसकी छोटी टहनियां हैं। स्टिप्स, स्टिप्स मतलब होता है ऐठ गई हैं, विथ एग्जर्शन मतलब होता है ऐठन के कारण, मतलब अधिक प्रयास के कारण, एग्जर्शन अधिक प्रयास के कारण। तो क्या कहा गया, द लीव्स स्ट्रेन टुवार्ड द ग्लास, जो पत्तियां हैं उसकी, वह जो पत्तियां हैं वह शीशों पर काफ़ी दबाव डाल रही हैं, शीशों की तरफ काफ़ी दबाव डालती हैं। स्मॉल ट्विग्स, और जो उसकी छोटी टहनियां हैं। स्टिप्स विथ एक्सटेंशन, स्टिप्स मतलब होता है ऐठ गई हैं, विथ एक्सटेंशन मतलब होता है अधिक प्रयास करने के कारण। लॉन्ग लॉन्ग क्रैम्ड बॉफ सुफलिंग्स, लॉन्ग लॉन्ग क्रैम्ड, लंबी तंग बॉफ मतलब होता है शाखाएँ, लंबी तंग शाखाएँ। स्विफलिंग अंडर द रूफ, स्विफलिंग मतलब होता है रगड़ कर चल रही हैं, खिसक कर चल रही हैं। अंडर द रूफ मतलब होता है उस शाखा पर, मतलब उस फर्श पर। तो छत के नीचे फर्श पर लंबी तंग शाखाएँ घिस कर चल रही हैं। लॉन्ग लॉन्ग क्रैम्ड मतलब होता है तंग, क्रैम्ड मतलब तंग, बॉफ मतलब होता है शाखाएँ। तो लंबी तंग शाखाएँ, स्विफलिंग स्विफलिंग मतलब रगड़ करके, अंडर द रूफ मतलब होता है फर्श पर चल रही हैं। लाइक न्यूली, जैसा कि, न्यूली मतलब नया नया, डिस्चार्ज मतलब होता है अभी अभी हॉस्पिटल से निकला हुआ पेशेंट, मरीज की तरह, मतलब अभी अभी निकले हुए मरीज की तरह, वह जो लंबी तंग शाखाएँ हैं वह छत के नीचे रगड़ करके घिस करके चल रही हैं। हाफ डेज्ड, हाफ डेज्ड मतलब जैसे अभी अभी छुट्टी हुई है। मूविंग, निकल रही हैं टू द क्लिनिक, अपने चिकित्सक डोर दरवाजे से, मतलब वह चिकित्सक दरवाजे से अपने आप को बाहर निकाल रही हैं। तो इसमें क्या हुआ, जरा फिर से देख लीजिए। ऑल नाइट्स द रूट्स वर्क, जो जड़ें हैं वह पूरी रात्रि काम कर रही हैं। टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स, अपने आप को उस फर्श की दरारों से स्वयं को मुक्त करने का कार्य कर रही हैं। और इन द बरांदाज, बरांदा में। द लीव्स, जो पत्तियाँ हैं, स्ट्रेन, स्ट्रेन मतलब हमने आपको क्या बताया, स्ट्रेन मतलब होता है शक्ति डाल रही हैं, प्रभाव डाल रही हैं, प्रकाश बल डाल रही हैं टुवार्ड द ग्लासेस, शीशों की तरफ, मतलब पत्तियां शीशे की तरफ दबाव डालती हैं, प्रकाश दबाव डाल रही हैं। स्मॉल ट्विंग्स, जो छोटी टहनियां हैं, ट्विंग्स मतलब टहनियां। स्टिप्स मतलब होता है ऐठ गई हैं। विथ एक्सेशन मतलब होता है, एक्सेशन का मतलब कह सकते हैं अधिक प्रयास के कारण। जो आपका स्विफ्ट मतलब होता है ऐसे, जैसे आप कोई भी पेड़ देखते हो ना, ऐसे ऐसे होता है, और इसी में ऐसे 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 ऐठा रहता है ना, तो वही कह रही हैं कि टहनियाँ जो है उसकी ऐठ गई हैं अत्यधिक प्रयास के कारण। और क्या कहा गया, लॉन्ग क्रैम्ड, क्रैम्ड मतलब क्या बताया गया, तंग, मतलब वो बॉफ मतलब होता है शाखाएँ, लंबी तंग शाखाएँ। सफलिंग्स अंडर द रूफ, सफलिंग मतलब होता है रगड़ करके चल रही हैं, सब अंडर द रूफ मतलब उस फर्श पर। लाइक न्यूली, जैसा कि नया नया या नवजात। डिस्चार्ज मतलब होता है छूटा हुआ पेशेंट्स, पेशेंट्स मतलब होता है वो मरीज की तरह, जिस तरीके से नया छूटा हुआ मरीज निकलता है ठीक उसी तरीके से वह भी बाहर जा रहा है। आगे देखिए, हाफ डोज्ड मूविंग, हाफ डोज्ड मूविंग मतलब वह कुछ ही मतलब हाफ डोज मूविंग मतलब होता है अभी अभी, जैसे अभी अभी उसे छुट्टी मिला है। मूविंग द क्लिनिक डोर, क्लिनिक डोर से बाहर निकल रहा है। आगे देखिए, आई सिट इनसाइड, इसमें लिखा कहती है आई सिट, मैं बैठी हूँ, इनसाइड अंदर की ओर, मैं घर के अंदर बैठी हूँ। डोर ओपन, दरवाज़ा खुला हुआ है। टू द बरांदा, बरांदा की, मतलब क्या कहा गया, कवित्री कहती हैं कि मैं बरांदे की ओर खुलने वाले दरवाजे को खोलकर बैठी हुई हूँ, मतलब मैं बरांदे में दरवाजे को खोलकर बैठी हूँ। रिटिंग
लॉन्ग लेटर, राइटिंग लिख रही हूँ, लॉन्ग मतलब एक लंबी, लेटर मतलब पत्र, और एक लंबी पत्र लिख रही हूँ। इन विच जिसमें, आई मैं, स्केर्सली मतलब मुश्किल से, मेंशन मतलब बता पा रही हूँ, द डिस्पर्सन मतलब बता है इस गमन के बारे में, इस प्रस्थान के बारे में। तो क्या कहा गया, इन विच जिसमें, आई स्केर्सली मैं मुश्किल से, मेंशन बता पा रही हूँ, द डिस्पर्सन मतलब बता है इस प्रस्थान के बारे में या यहाँ से आने जाने के बारे में। अब द फॉरेस्ट जंगल के, फ्रॉम द हाउस घरों से, मतलब घरों से जंगल की यात्रा के बारे में मैं बड़ी मुश्किल से ही बता पा रही हूँ या उस के बारे में लिख पा रही हूँ। ऑफ द फॉरेस्ट जंगल के, फ्रॉम द हाउस घरों से, द नाइट इज फ्रेश, जो रात्रि है वह बहुत ही फ्रेश है, तरोताज़ा है। द होल मून शाइन्स, संपूर्ण चंद्रमा चमक रहा है, इन द स्काई आकाश में, स्टिल ओपन खुला हुआ, मतलब पूरा चंद्रमा खुले आकाश में चमक रहा है। द स्मेल ऑफ लीव्स, पत्तियों की महक, कंध, एंड लाइकेन और शैवालों की, मतलब शैवालों और पत्तों की महक, स्टील रिच पहुंच रही है, लाइक अ वॉइस, एक आवाज़ की तरह, इन टू द रूम, मेरे कमरे में। तो क्या कहा गया कि आई सेट इनसाइड, मैं अंदर की तरफ बैठी हुई हूँ, डोर्स ओपन, दरवाजे खुले हैं, टू द बरामदा, बरामदे के, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, मैं एक लंबा पत्र लिख रही हूँ, इन विच जिसमें, आई स्केयरली मैं मुश्किल से, मेंशन बता पा रही हूँ, द डिस्पैचर, डिस्पैचर मतलब क्या बताया, प्रस्थान के बारे में, जिसमें मैं मुश्किल से प्रस्थान के बारे में बता पा रही हूँ, किस प्रस्थान के बारे में, ऑफ द फॉरेस्ट जंगल के, जंगल के प्रस्थान के बारे में, फ्रॉम द हाउस घरों से, मतलब घरों से जंगल के प्रस्थान के बारे में मैं बड़ी मुश्किल से बता पा रही हूँ। द नाइट इज फ्रेश, द नाइट जो रात्रि है, इज फ्रेश तरवताज़ा है। द होल मून संपूर्ण चंद्रमा, पूरा चंद्रमा, पूरा चांद, साइंस चमक रहा है, इन द स्काई आकाश में, स्टिल ओपन मतलब पूरे खुले हुए, मतलब पूरे खुले हुए आकाश में चंद्रमा चमक रहा है। द स्मेल जो गंध है, ऑफ लीव्स पत्तियों की, एंड लाइकेन और शैवालों की, मतलब शैवालों और पत्तियों की जो महक है, स्टिल रिच लगभग पहुँच रही है, लाइक अ वॉइस एक आवाज़ की तरह, इन टू द रूम उस कमरे में। लास्ट पैसेज है, माई हेड मेरा सर इज फुल भर गया है, मतलब मेरा सर भर चुका है, भर गया है, ऑफ विस्पर्स मतलब होता है फुसफुसाहट से या छोटी मोटी आवाज़ों से, फुसफुसाहट भरी आवाज़ों से कवित्री कहती हैं कि उनका सिर भर गया है। विच जो टुमारो कल, विल बी हो जाएगा साइलेंट शांत, मतलब जो कल शांत हो जाएगा। तो दो लाइन क्या कहा गया कि मेरा मन, मेरा जो सर है वह फुसफुसाहटों से भर गया है, विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कल शांत हो जाएगा। लिसन सुनो, द ग्लास शीशे इज ब्रेकिंग टूट रही हैं, मतलब जो शीशे हैं वो क्या हो रही हैं, टूट रही हैं, सुनो शीशा टूट रहा है। द ट्रीज पेड़ आर स्टम्बलिंग, द ट्रीज पेड़ जो पेड़ हैं स्टम्बलिंग कर रहे हैं, मतलब लड़खड़ा रहे हैं, फॉरवर्ड आगे की ओर, मतलब पेड़ लड़खड़ाते हुए आगे की ओर जा रहे हैं, इनटू द नाइट रात्रि में, मतलब रात्रि में। द ट्रीज पेड़ आर स्टम्बलिंग मतलब लड़खड़ाते हुए फॉरवर्ड आगे की ओर जा रहे हैं, इनटू द नाइट रात्रि में, रात्रि में पेड़ लड़खड़ाते हुए आगे की ओर जा रहे हैं। वाइंड्स हवा रस, रस मतलब होता है तेज गति से बह रही है, हवा तेज़ी से चल रही है, टू मीट्स देम उनसे मिलने के लिए, मतलब हवा उन पेड़ों से मिलने के लिए तेज़ी से चल रही हैं। द मून चंद्रमा इज ब्रोकन टूटा हुआ है, लाइक अ मिरर एक मिरर मतलब शीशे की भांति, चंद्रमा एक शीशे की भांति टूटा हुआ दिखाई पड़ रहा है। इट्स पीसेज इसका जो टुकड़ा है, फ्लैश चमक रहा है, नाउ अब इन द क्राउन, क्राउन मतलब ताज की तरह, ऑफ द टॉलेस्ट ओक, ओक ब्रिज के, मतलब क्या कहा गया कि इसके टुकड़े अब सबसे लंबे ओक पेड़ के ताज के ताज में चमक रहे हैं। तो एक बार फिर से इसको देख लीजिए, माय हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, मेरा सर फुसफुसाहट से भर गया है, विश टुमारो जो कल, विल बी साइलेंट शांत हो जाएगी, लिसन सुनो, द ग्लास जो कांच है, जो शीशे हैं, इज ब्रेकिंग टूट रहे हैं। द ट्रीज पेड़ आर स्टम्बलिंग, स्टम्बलिंग मतलब लड़खड़ा रहे हैं फॉरवर्ड आगे जाने के लिए, मतलब पेड़ लड़खड़ाते हुए आगे जा रहे हैं, इन टू द नाइट उस रात्रि में, मतलब उस रात्रि में पेड़ लड़खड़ाते हुए क्या हो रहे हैं, स्टम्बलिंग लड़खड़ाते हुए आगे जा रहे हैं, स्टम्बलिंग मतलब क्या बताया गया, लड़खड़ाते हुए फॉरवर्ड आगे जा रहे हैं, इन टू द नाइट उस रात्रि।
वाइंड्स हवा, रस तेज गति से बह रही है, टू मीट मिलने के लिए। रस मतलब क्या बताया गया, तेज गति से टू मीट मिलने के लिए देम उनसे, मतलब हवा उन पेड़ों से मिलने के लिए तेज गति से चल रही हैं। द मून से ब्रोकन लाइक अ मिरर, चंद्रमा एक शीशे की भांति टूट चुका है। इट्स पीस इसका जो टुकड़ा है, फ्लैश चमक रहा है, नाउ इन द क्रॉन ताज के रूप में ऑफ द टालेस्ट ओक, ओक ब्रिज सबसे लंबे ओक ब्रिज के लिए। मतलब क्या कहा गया कि इसके टुकड़े अब सबसे लंबे ओक ब्रिज के ताज में चमक रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसके लेखक हैं आपके एड्रियन रिच। एड्रियन रिच ने यह पोएट्री बहुत ही अच्छा लिखा है। यह आपका एक नेचर पोइट है, और कह सकते हैं यह आपका एक नेचर कविता है, नेचुरल पोएट्री है, जिसमें आपको नेचर संबंधित चीज़ें बताई गई हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बातें हम लोग कल देखेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।